विलेज है झारखंड का। और तो ये मिट्टी का घर आप लोग देख सकते हो। उधरे जाओ, थाली धोवो, प्लेट धोवो, होटल में काम करो, बेगारी काम करो, सब वो। दोस्तों नारायणपुर मोड़ से मैंने अभी बस लिया था, बस का सूट नहीं कर पाए और बस लेकर जस्ट आ ही रहा था तो रास्ते में विनय भाई मिल गए हैं और रास्ते में ही वो कहें कि बस से उतर जाओ, तो मैंने बस से उतर गया हूँ। और विनय भाई हमारे चैनल पर वेलकम है तुम्हारा। थैंक यू यार, सबसे पहला तो यार अपने झारखंड में स्वागत है। हाँ यार, झारखंड एक अलग फीलिंग है ये, और झारखंड का मैं बहुत कुछ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। इधर का रास्ता थोड़ा खतरनाक है यार, जैसे इस तरह कभी जा रहा है कभी इस तरह जा रहा है, मतलब थोड़ा हमको कोई बात नहीं चलेगा, डर लगे तो धीरे धीरे चलाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो कैसा लग रहा है झारखंड में चला के फर्स्ट टाइम? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। एक दोस्त को बात बताया, ठंडी मौसम, हवाएं भी बहुत ठंडी आ रही है, हेलमेट नहीं पहना हो इसके लिए यार ज्यादा कुछ मत होगा, लेकिन गाँव है तो गाँव में ज्यादा हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये देख सकते हो कहता है सेखुआ का, जो पहले रेलगाड़ी के जो पटरियों के नीचे लगती थी वो सेखुआ के ही लकड़ी लगती थी, अब तो सब पत्थर का हो गया है, तो चेंज हो गया है। चलिए यही है और देखते रहिए झारखंड को। बोल भाई, तो चाय का चुस्कियाँ लिया जी लिया जा रहा है। हाँ, भाई भाई जल्दी जल्दी पी लिया, बहुत अच्छा चाय लवर। चाय इधर देख सकते हो, चाय काफी अच्छा गांव शहर है, शहर तो नहीं बोला जा सकता, गांव है, बिलर भी विलेज है झारखंड का। और इस गांव का नाम क्या है? जीतकुंडी। और यदि बात करें धनबाद से तो कितना किलोमीटर होगा? 80 किलोमीटर के लमसम मैं आया हूँ गांव में एक। हाँ, और ये गांव बहुत ही प्यारा मुझे लगा और भाई ने इनविटेशन दिया था तो मैंने आया हूँ यहाँ पर। मैं धान की पुआल रखे हुए हैं तो इधर धान की खेती होती है, और धान की खेती जो होती है उसका पुआल कुछ ऐसे रखते हैं लोग, और इसी में उसकी पिटाई भी करते हैं। तो चारों तरफ से गेड़े दिए हैं और उसको एकदम नीचे से साफ करके कुछ ऐसा रखे हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाएगा, तो उसको साफ करना पड़ता है, साल साल में साफ कर दो, बीच में पाउडर डाल दो। हाँ, सबके यहाँ मतलब इनार होगा यहाँ। हाँ, सबका उतना नहीं है लेकिन फिर भी बीच बीच में है, जैसे यहाँ है तो एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे है, इस तरह से दो चार घर का वहाँ पी रहा है, दो चार घर का वहाँ पी रहा है, दो चार घर का यहाँ पी रहा है, किसी का नल भी है। तो नल तो काफी खर्चा हो रहा होगा गड़वाने में यहाँ पर। 40,000 तक चला जाता है। 40,000 हमारे यहाँ 20 फुट पर ही पानी आने लगता है। हमारा 210 फीट है, हमारे यहाँ 20 फुट पर ही पानी निकलने लगता है। हम जो अपना घर पे किए हैं, जो सामने दुकान है हमारा घर का सामने, तो हमारा घर का अंदर है, तो हमारा 210 फीट डीप मतलब बोरिंग किए हैं तो पानी निकला है। लेडीज यहाँ पर नाले बनाती हैं सब? देखिए, कुछ गांव का जो कपड़े होते हैं ना, तो जिसको ये पानी में नहा के जो मतलब स्वादिष्ट है ये पानी, वो इधर आ जाएगा। और जैसे सब नहीं आएगा ये भी बात नहीं, बुजुर्ग लोग आते हैं। मैंने कल रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा था। वहाँ पे नहाते सब होता था, ये जब मौसी की वजह से ना सब इधर गेहूँ में लगता था, लेकिन ये सब खेती बाड़ी करने के लिए सब बाहर निकल गया, अभी सब कोरिया निकल गया, कौन काम करने चाहता है देहात में, सब उधरे जाओ, थाली धोवो, प्लेट धोवो, होटल में काम करो, बेगारी काम करो, सब वही मंजूर करता है अभी। सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड के ही लोग ऑल इंडिया में फैले हुए हैं, और भारी से भारी काम ना झारखंड के ही लोग ज्यादा करते हैं। विलेज ही है जो जीतकुंडी में, और इसी में नदी जो कि किनारे से निकला है,
और इस नदी में कुछ बना हुआ बांध उन्ध, तो वो दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर कुछ कामे चल रहे हैं, जैसे कि ये नहाने के लिए लग रहा है बनाया गया है, जहाँ पर लोग नहाते भी हैं आकर। और देख सकते हो ये नहाने के लिए बना हुआ है कि बन रहा है कि यहाँ से लोग नहा भी सकते हैं और भी कुछ काम होते हैं जो कर सकते हैं। ऊपर ऊपर तक ले आप लोग देख सकते हो कटे हुए हैं, पानी की एक ये नदी कह सकते हैं हम। तो ये मिट्टी का घर आप लोग देख सकते हो, अंदर से कुछ ऐसा है। यहाँ पर बकरियां रखी जाती हैं और ये छत देख सकते हो। देख सकते हो ऊपर खपड़े का घर है खाली। रास्ता इधर। ओ विनय कहाँ गया यार? स्कूल है जो कि आप लोग देख सकते हो, डुमरी में पड़ता है इसका, रेडी जिला है, मुरकुंडी है। दोस्तों इस वीडियो करते हैं ये पर समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, कहीं और स्थान, कहीं और जगह पर। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।